हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रितिका और आज के एपिसोड में मैं लेके आई हूँ आपकी फेवरेट किड्स टिफिन रेसिपीज। आज की रेसिपीज बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस पोल्यूशन भरे माहौल में आप बच्चों का टिफिन कैसे पैक करें, उनके टिफिन में गुड़ ज़रूर रखें। साथ ही हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगेगा, रेसिपीज चलेंगे बैक टू बैक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। काफ़ी दिन से ब्रेक चल रहा था बट अब मैं आपके सारे कमेंट्स के फटाफट से रिप्लाई कर दूंगी और आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बाकी सारी बातें भी हैं बहुत सारी, वो मैं वीडियो के एंड में करती हूँ, बट आज की पहले देखते हैं टिफिन रेसिपीज। बच्चों के टिफिन की बात हो और कुछ फैंसी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए बनाते हैं पनीर हॉट डॉग। और इसे बनाने की शुरुआत हम करेंगे फिलिंग बनाने से। तो कढ़ाई में मैंने डाला है एक चम्मच ऑलिव ऑयल। यहाँ मैं अगारो की अपनी हनी कोम कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। इसमें कुकिंग बहुत ही यूनिफॉर्म होती है, कम तेल में हो जाती है, एकदम नॉनस्टिक की तरह से काम करती है। एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को हमने भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। साथ ही अब छुपाते हैं इसमें सब्जियाँ। तो यहाँ पर लाल पीली हरी शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है, आप इसमें अपने पसंद की और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। बीन्स, ब्रोकली, गाजर जो भी है आप डाल दीजिए, क्योंकि फिलिंग इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो शिमला मिर्चों को हम अच्छे से भूनेंगे और इसमें डाल देंगे नमक। नमक आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये पनीर के हिसाब से भी पड़ा है। साथ ही डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाला पाउडर। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी भी डालेंगे, इससे फिलिंग को एक बढ़िया सा कलर मिलेगा। मसालों को भी भून लेते हैं। जब भी हम मसाले डालेंगे अपने पास में पानी तैयार रखेंगे या फिर टमाटर को पीस के हमें रेडी रखना है। यहाँ पे मैंने दो लाल लाल टमाटर लिए हैं और उनकी प्योरी बना के हम इसमें डाल देंगे। मैं छान के यूज़ कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। अब ज़्यादातर सवाल आता है कि टमाटर को छाना क्यों है। जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है उनको टमाटर का बीज नुकसान करता है, इसीलिए रेगुलर कुकिंग में टमाटर को छान के इस्तेमाल किया जाता है। अब इस टमाटर को पकाने के लिए हम रख देते हैं ढक के कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे। बीच बीच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ऊपर तेल आ गया है मतलब टमाटर अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ था। पनीर घर का बना हुआ यूज़ कीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। भले ही आपको दूध थोड़ा सा बढ़ाना पड़े बट घर का पनीर ही दीजिए बच्चों को। अगर आप डेली एनसीआर में रहते हैं तो खुला हुआ पनीर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, या तो किसी कंपनी का लें, अदरवाइज़ घर पे बनाएं। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और बहुत ही बढ़िया सी हमारी फिलिंग बनके रेडी हो गई है। और अब बारी है इसको असेंबल करने की। एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें, हल्का ठंडा हो जाने दीजिएगा। आप चाहें तो रात में भी इसे बना के रख सकते हैं। अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी चटनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से आंवले की चटनी बनाई है। इसके लिए खूब सारा हरा धनिया चाहिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ले लेंगे और साथ में डाल देंगे बारीक कटे हुए आंवले। यहाँ पे अदरक का बहुत ही छोटा टुकड़ा हमें लेना है, लहसुन ज़्यादा रखिए, अदरक कम। ज़रा सा नमक और ज़ीरा डालेंगे और इसको पीस लेंगे। पीसते समय मैंने इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला है, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी डालिए ताकि चटनी जो है काफ़ी गाढ़ी रहे। आंवले की चटनी अगेन इम्यूनिटी बूस्टर होती है, इसीलिए बच्चों के खाने में ज़रूर से इसे शामिल कीजिए। अब यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है उसमें मैंने एक चम्मच मलाई मिलाई है मेयोनीज़ को रिप्लेस करने के लिए। अब हम लेंगे हॉट डॉग बन और इसको बीच में से स्लिट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी आंवले की चटनी लगा देते हैं, इससे टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँच जाता है। और अब हम इसमें फिल कर देंगे जो फिलिंग हमने बनाई हुई थी पनीर की, खूब अच्छे से हमें डाल देनी है। जाड़े का टाइम है, आप फिलिंग रात में बना के रख सकते हैं और सुबह आप आसानी से हॉट डॉग को असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलिंग को हमने भर दिया है। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ लगा रही हूँ, चीज़ से एकदम देखने में बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। ये क्रिस क्रॉस वे में हमने यहाँ पे चीज़ लगा दिया है। अगेन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिना चीज़ के भी सर्व कर सकते हैं, इक्वली टेस्टी लगता है। चीज़ को पिघलाने के लिए या तो इसे पैन पे आप रख लीजिए ढक के, या फिर माइक्रोवेव कर दीजिए 15 से 20 सेकेंड। चीज़ पिघल जाएगा और अच्छे से हॉट डॉग के ऊपर चिपक जाएगा। इसे कट करके हम टिफिन में रख देते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑडियोनी रैप, ये पेपर फॉयल है। टिफिन में फूड रैप करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एल्युमिनियम फॉयल बहुत ही हार्मफुल होता है, इसीलिए पेपर फॉयल यूज़ करना चाहिए हमें। तो टिफिन बनके हमारा रेडी है, इसके साथ भी गुड़ रखना ना भूलें। कुछ अलग भी देना हो, टेस्टी भी और हेल्दी भी, तो ये टैगोस बिल्कुल परफेक्ट है।
इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर और हरा धनिया। इसको मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे उबले हुए राजमा। मेक श्योर राजमा जो है वो बहुत अच्छे से उबले हुए हों, मतलब इतना कि आप इन्हें आराम से मैश कर पाएं। अब इसको हल्का सा सीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे नमक, साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें काली मिर्च एंड हीरो ऑफ दिस डिश थोड़ी सी ओरिगैनो सीजनिंग। मेरे पास ज़रा सी लाल पीली शिमला मिर्च थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी है, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें नींबू का रस डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। नींबू के रस को छन्नी से छान लेने से इसमें बीज जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अब हम इसे मिक्स करते हैं। आप यहाँ पे आलू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आलू बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि राजमा इतना अच्छा उबला हुआ था कि बहुत ही आसानी से चम्मच से मैश हो जा रहा था। राजमा जो है वो हल्का सा इस फिलिंग को बाइंडिंग देगा। इसमें मेयोनीज, चटनी वगैरह भी ऐड की जा सकती है, बट यहाँ पे मैंने कोई भी बाहर की चीज़ नहीं डाली है, स्पेशली मेयोनीज। बच्चों को तो पसंद आती है बट हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती। तो टाकोस की फिलिंग बनके हमारी तैयार है। अब हम सिंपली छोटी छोटी रोटियाँ ले लेंगे और इस पर ये फिलिंग स्प्रेड कर देंगे। आप सोचिए संडे के लिए कितना बढ़िया ब्रंच है ये। अगर आप टिफिन में ना भी दें तब भी आप इसे संडे को बहुत ही मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ तो बनता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अमूल का डाइस चीज़। ये शिडार और मोजरेला का कॉम्बिनेशन होता है और इसका चीज़ पुल सबसे अच्छा आता है। पैन पे हम गरम कर लेंगे थोड़ा सा घी और इन टाकोस को दोनों तरफ से अच्छे से सेक देंगे। आज को हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा इन्हें धीमी आँच पे हमें नहीं पकाना, अदरवाइज ये बहुत च्यूई हो जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे सिर्फ इतना कि अंदर चीज़ पिघल जाए और ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन क्रस्ट आ जाए। अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि टिफिन में ये खुले नहीं, और गर्मा गर्म खाने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप यहाँ पे थोड़े क्रिएटिव भी हो सकते हैं। अगर आप राजमा नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे पनीर और कॉर्न वगैरह डाल सकते हैं। बट इन शॉर्ट ये बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये जो पोल्यूशन का टाइम है इसमें हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जो डाइट हो वो काफ़ी रिच हो, मतलब प्रोटीन भी होना चाहिए और फाइबर भी काफ़ी होना चाहिए। तो आइए अब टिफिन पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ टाकोस एकदम गर्मा गर्म, साथ ही रख रही हूँ घर के बने हुए बनाना चिप्स। इसकी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, आप वहाँ पे चेक कीजिएगा, और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का। तो आज का टिफिन बनके रेडी है, कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आइए आज के टिफिन के लिए बनाते हैं कच्चे केले के कटलेट्स। और ये बनाने में बहुत आसान होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए कच्चे केले। कच्चे केले को उबालने के लिए इसे प्रेशर कुकर में रख के 1 से 1.5 सीटी तक हमें पकाना होता है। प्रेशर को अपने आप रिलीज हो जाने दीजिए। उसके बाद हम कच्चे केले को छील लेंगे और इसे फोर्क से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आलू भी ऐड कर सकते हैं। वैसे कच्चे केले को मैनेज करना बहुत आसान होता है, इसमें बाइंडिंग का कोई भी इशू नहीं रहता है। मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किया बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ज़रा सी इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, और मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब इस मिक्सचर को हम सीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे नमक, ज़रा सी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हरी मिर्च अगर तीखी हो तो लाल मिर्च बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। साथ ही डाल देंगे गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है आमचूर। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब इन सभी चीज़ों को हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कच्चा केला जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो इसको बाइंड करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आराम से इसके कटलेट्स बन जाते हैं। इसे हमें हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। केला जो है वो पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का ही बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, तो बच्चों के खाने में इसे ज़रूर से शामिल करें। पका हुआ केला तो बच्चे आसानी से खा ही लेते हैं, मगर कच्चे केले को भी आप इस तरह से कटलेट्स बना के उन्हें खिला सकते हैं। गर्मा गर्म कटलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये टिफिन में भी उतने ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कटलेट्स इसके बना रही हूँ राउंड शेप के। आप यहाँ पे मनचाहा आकार दे सकते हैं, चाहे तो कुकी कटर से इन्हें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं। सारे कटलेट्स बनके तैयार हैं। अब बस हम पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे देसी घी। बच्चों का खाना हमेशा देसी घी में बनाइए। यहाँ पे मैं अपना अगारो का ग्रेनाइट फिनिश नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत ही कम घी तेल में आप बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं, खाना बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। ये देखिए कितने कम घी तेल में हमने बनाए हैं कटलेट्स, और जैसे आप इन्हें फ्लिप करेंगे ना तो एक बढ़िया सा गोल्डन कलर मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे डीप फ्राई किए हुए हैं, और ज़्यादा घी भी नहीं लगता। आप चाहें तो रात को ही कटलेट का मटेरियल बना के कटलेट्स बना के रख सकते हैं, बस सुबह उन्हें सेक के टिफिन में रख दीजिए। तो कटलेट्स हमारे बन के रेडी हैं, आइए अब इन्हें फटाफट टिफिन में पैक कर देते हैं। तो ये जा रहे हैं हमारे कटलेट्स, और साथ में मैं रख रही हूँ टमाटर और हरा धनिया वाली चटनी।
साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें बच्चों के टिफिन में रखनी है वो है एक टुकड़ा गुड़। गुड़ रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करने में बहुत हेल्प करता है, तो ज़रूर दीजिए। छोटे बच्चों का एक फेवरेट टिफिन होता है जो होता है पूरी। मुझे तो खैर अपने बचपन में ही पूरियाँ बहुत पसंद थी। तो आइए आज बनाते हैं आलू की पूरी। और इसे बनाने के लिए हमें उबला आलू चाहिए, तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा उबला आलू। इसको हम छील के ग्रेट कर लेंगे। अब डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जिसमें है नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्च, साथ ही डालेंगे एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। जा रही है कसूरी मेथी, एक चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक। आप यहाँ पे लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लहसुन का ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, एक चम्मच तेल डालेंगे। आपको इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे एक कटोरी मैंने आटा डाला है और इसको हम अच्छे से माल लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और इसे खूब अच्छे से इसे चलाते हुए सॉफ्ट डो हमें लगाना है। ये आप रात में लगा के रख सकते हैं। चकले को थोड़ा सा चिकना करेंगे और एक छोटी लोई ले लेंगे। यहाँ पे परथन नहीं लगाइएगा, परथन लगाने से तेल गंदा हो जाता है। तेल की ही मदद से हम इसे छोटा छोटा बेल लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखा है मैंने। अब यहाँ पे तेल को हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है और पूरी को डाल देना है। और आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने बिल्कुल 4 से 5 चम्मच तेल लिया है। कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत ही कम तेल में पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं और इससे तेल को रीयूज़ करने वाला चक्कर नहीं रह जाता। मतलब बहुत ही कम तेल हो जाता है, आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए या फिर अरवी या आलू वगैरह भूनने के लिए इसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो टिफिन हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने रख दिया है थोड़ा सा मीठा वाला अचार, पूरियाँ और एक टुकड़ा गुड़। आलू की पूरी वाला टिफिन कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही क्रीमी एंड डिलिशियस ग्रीन स्पेनिश पास्ता। और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ दसानो का पास्टेलिशियस पेने पास्ता। ये 100% रमवीट से बना हुआ है, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला जो पास्ता है ना, ये थोड़ा सा डार्कर साइड पे है। इन पास्ता को उबलने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू पैकेट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इसके लिए 13 मिनट्स है। जितने हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है हम यहाँ पे पालक को छांट के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम पालक ली है, आधी गड्डी पालक है ये। इसके हम बिल्कुल मुलायम वाले पत्ते ले लेंगे। यहाँ पे हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया है, इसको हमने अल दांते बॉईल किया है, यानी कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं है क्योंकि हम इसे सॉस के साथ भी पकाने वाले हैं। इसको छान लेते हैं और यहाँ पे जो पास्ता वाटर है इसे भी हमें रखना है क्योंकि हम इसे रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और पास्ता को हल्का सा ग्रीस कर देंगे ताकि ये आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं। और अब हम पालक को ब्लांच करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है बिल्कुल हल्का सा, और इसमें पालक के मुलायम वाले पत्ते हम डाल देंगे। इसे हम ढक देंगे और घड़ी देख के सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हमें बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करना है, अदरवाइज ये डार्क ग्रीन हो जाती है। प्लस इसकी कुकिंग को हमें तुरंत रोकना है कलर को रिटेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठंडे पानी से भरा हुआ बोल रखा हुआ है, इसे हम तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। जैसे ही पालक ठंडी हो जाएगी इसकी पीस के हम प्यूरे बना लेंगे। आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, बहुत ही कम तेल में मैं कुकिंग करने वाली हूँ। साथ ही मैंने डाला है 1/2 चम्मच बटर। इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। इन्हें हमें अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पे बटर और ऑयल हमने साथ में इसलिए डाला है ताकि बटर जो है वो जले नहीं। लहसुन हमारा अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा। 1 बड़े चम्मच मैदे में तकरीबन 1.5 से 2 कप दूध पड़ जाता है जब हम व्हाइट सॉस बनाने जाते हैं। तो यहाँ मैदे को हमें अच्छे से धीमी आँच पर भूनना है और इसमें दूध ऐड करना है। पहले थोड़ा सा दूध डाल के हम मिक्स कर लेंगे और इसे हमें चलाते हुए पकाना है जब तक कि उबाल ना आ जाए, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना पड़े। और अगर आपका मैदा अच्छे से भुना हुआ होगा तो डेफिनेटली इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं पड़ेंगे। जब हमारी वाइट सॉस रेडी हो जाएगी तो हम इसमें ये पालक की प्यूरी भी मिला देंगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतना प्यारा ग्रीन कलर आया था ना कि मतलब क्या ही कहना। देखिए ज़रा हमारा ये वाला जो पास्ता है ये किसी भी हाई एंड कैफ़े के पास्ता को चैलेंज कर सकता है। ट्रस्ट मी, इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। अब हमें अपनी पालक वाली सॉस को करना है सीजन। तो यहाँ गया सबसे पहले 1 चम्मच नमक, साथ में मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो सीजनिंग, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, साथ ही डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च,
बहुत ही बेसिक सीजनिंग है इसकी और आधा स्लाइस में इसमें चीज डाल रही हूँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एंड गाइस लुक एट इट, कितनी स्मूथ सॉस बनके हमारी रेडी हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना बॉईल किया हुआ पेने पास्ता। पास्ता की पर्टिकुलरली ये रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, खास करके बच्चों को सर्व करने के लिए ये बहुत अच्छी है। बच्चे इसके कलर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इतनी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। थोड़ा सा दूध मैंने और डाला है इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अब हम बस एक उबाल आने देंगे, साथ में मेरे पास में कुछ बॉइल्ड कॉर्न रखे हुए थे तो मैंने ऐड कर दिए हैं। हमारा बहुत ही टेस्टी स्पिनच पास्ता बनके रेडी है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। प्लस इसमें जो कॉर्न है उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बीच बीच में एकदम जूसी लगते हैं। आपको ये पास्ता रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। हमने तो इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो गाइज ये थी हमारी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइए। और यहाँ दिल्ली एनसीआर में बुरी तरह स्मॉग है, अभी भी आप देख सकते हैं फ्रेम में, ये जो एक धुंध है ना, ये फॉग नहीं है, ना ठंड हो रही है, इतनी गर्मी है और स्मोक और फॉग का मिक्सचर है जो पूरे में छाया हुआ है। और इसमें ऐसे एलर्जी वाली चीज़ें हैं जो बच्चों के गले में, हमारे गले में, मतलब लिटरली जलती हैं। आपको सांस लेने में फ़र्क महसूस होगा कि मतलब कई बार अफसोस होता है यार, हमने अपने एनवायरनमेंट का क्या कर लिया है लिटरली। और तो इसके लिए गुड़ तो ज़रूर खाएं, गर्म पानी पिए। बहुत से बच्चों को खांसी है इस समय, बच्चों का बड़ों को भी खांसी है। ऐसी ऐसी डिजीज़ेस हो रही है जो मैं मतलब खुद आपको फील वो करके बता रही हूँ। आपने अगर इंस्टा पे देखा होगा 7 to 8 days मुझे फीवर रहा है और उसके बाद इतना ज़्यादा कफ और अभी भी वो 100% क्योर नहीं है, मतलब आवाज़ में अभी भी फ़र्क है। एंड कभी सोचा भी नहीं था कि पोल्यूशन से ऐसा होगा। तो जितना हो सके घर में रहें, बचाव करें और एयर प्योरीफायर चला के रखें। हम भी चलाते हैं लेकिन जब पढ़ना होता है तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा पाता। एंड आई डेफिनेटली लाइक टू शो यू द मिस्ड राउंड। और वैसे तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, बट एक बार मिस ज़रूर देखिएगा और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यारे प्यारे कमेंट्स ना अपने देते रहिएगा। आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स, आपका जो भी सजेशन रहता है वो मैं ज़रूर से देखती हूँ। एयर फ्रायर से रिलेटेड और बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं तो डेफिनेटली हम अगला एपिसोड ज़रूर से लाएंगे, जल्दी ही लाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। और आपको मिस दिखाती हूँ, मिस्ड अराउंड, और आई डोंट नो, देखने में हो सकता है खूबसूरत लगे बट बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं जब मैं शूट कर रही हूँ और आप देख सकते हो सूरज तो इस समय बहुत हल्का है लेकिन ठंड नाम की चीज़ नहीं है और पूरे में एक मिस्ट है। एंड दिस मिस्ट इज़ वेरी हार्मफुल, मतलब सांस लेने में दिक्कत है इसमें।